वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आराध्या। आज हम बनाएंगे पोटैटो चीज़ बॉल्स। बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही जल्दी से बनके रेडी हो जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ सके। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। दो आलू लिए उबले हुए, अब मेरे पास ही वन ऑनियन है और दो ग्रीन चिली है। मैं इनको इसमें डाल देती हूँ। बहुत ही बारीक चॉप करी है मैंने ऑनियन, मोटी चॉप ना करें। ये मेरे पास हरा धनिया है, इसको भी डाल देती हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालती हूँ। थोड़े से मैं रेड चिली फ्लेक्स डालती हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद ना हो तो बिल्कुल ना डालें। और इनको रफली इसी तरीके से बस मिला लें। ये दो चम्मच कॉर्न फ्लावर है, मैं अभी इसमें से एक चम्मच छोड़ रही हूँ, एक चम्मच डाल लेती हूँ। और ये मेरे पास दो चम्मच मैदा है, मैं इसमें से भी अभी आधा डाल रही हूँ। अगर ज़रूरत रहेगी तो मैं और मिला लूँगी। पहले मैं इसकी अच्छे से बाइंडिंग बना लेती हूँ। हमें इसका एक डो बनाना है, जिस तरीके से हम रोटियां बनाते हैं इस तरीके का डो। हमें बस इसी तरीके का डो बनाना है। अब हम इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। एक बाउल में हम 2 चम्मच मैदा लेंगे और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने। अब इसको हमें एक घोल बनाना है। हमें ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, थोड़ा सा पतला ही घोल बनाना है, बिल्कुल लम्स फ्री बनाना है। हमें इस तरह का बैटर चाहिए, बिल्कुल पतले वाला। हमारा बैटर बन चुका है, मैं इसको साइड में कर देती हूँ। बैटर को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमें छोटी छोटी बॉल्स बनानी है इस तरीके से। इसको जिस तरह हम कचौड़ी बनाते हैं ना, इस तरीके से इसको प्रेस करना है। मैंने चीज़ की छोटी छोटी क्यूब्स काट लिए इस तरह की। अब मैं एक इसके बीच में रखूँगी इस तरीके से। अब इसको धीरे धीरे करके इसको ऐसे बंद कर दूंगी। इसको इस तरीके से कर लें। अब आप इसको इस तरीके से बनाएं, बिल्कुल गोल। मेरी गोल बन चुकी है, मैं इसको प्लेट में रख लेती हूँ। मैं फटाफट सारी रेडी कर लेती हूँ इसी तरीके से। इसको हाथ की सहायता से थोड़ा सा प्रेस करें ऐसे। अपनी क्यूब्स उठाएं, इसके बीच में रखें और इस तरीके से धीरे धीरे करके जो हमारी ये चीज़ है बिल्कुल अंदर अच्छे से दब जानी चाहिए इस तरीके से। और इसको हाथों की सहायता से बिल्कुल गोल शेप दे दें। बहुत ही आसानी से हो जाता है, बिल्कुल भी झंझट नहीं है इसमें। मैंने 2 बना लिए, मैं सारी इसी तरीके से बना लेती हूँ। हमने अभी सारी बॉल्स बना के रेडी कर लिए। आप देख सकते हो सिर्फ इतनी बॉल्स बनी है हमारी। अब हम इसमें जो हमने बैटर बनाया था लिक्विड वाला, इसमें मैं डालूंगी एक एक बॉल्स को। और इस तरीके से घुमाते हुए, और जो मेरे पास ये ब्रेड का क्रम्स है इसमें रखती रहूंगी, सारा लपेट लपेट के फटाफट उस बॉल में। इससे हमारी जो ये बॉल्स है बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बन के रेडी होंगी। इस तरीके से चारों तरफ अपना ब्रेड का क्रम्स लगा दें और सारी बॉल्स रेडी करके ये बड़ी आसानी से इस पर कोट हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले इस पर ये पतला वाला बैटर लगा लिया है। इस तरीके से सारा कोट कर लें। बहुत ही अच्छी बॉल्स बनी है।
इस पर आप हाथों की सहायता से भी लगा सकते हैं, बड़ी आराम से लग जाएगा, बहुत अच्छे से लग जाएगा। जो ब्रेड क्रम्स है ये मार्केट में भी अवेलेबल है और आप घर पे भी तैयार कर सकते हो। जो भी ब्रेड वगैरह बच जाते हैं अपने आपके घर में, उनको आप मिक्सी जार में थोड़ा दरदरा सा पीस के और गैस पे थोड़ा सा कढ़ाई में 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे भून के आप इसको रेडी कर सकते हो। इससे जो हमारे ये बनाते हैं हम पोटैटो बॉल्स, बहुत ही चीज़ी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। हमने अपनी सारी बॉल्स क्रम्स ला के रेडी कर ली और हमने कढ़ाई में भी तेल डाल दिया। अब तेल हमारा हीट कर रहा है, मैं इसमें 1 by 1 बॉल डालूंगी। गैस की फ्लेम को थोड़ा लो रहने दें क्योंकि हमें फुल फ्लेम पे ये नहीं सेकनी है। हम एक साथ सारी बॉल्स भी नहीं डाल दी है, आधी आधी करके डालें। मैंने 6 बॉल्स डाल दी, अभी हमको इन्हें टच नहीं करना है। हमें बहुत हल्के हाथों से इस तरीके से थोड़ा घुमाना है इनको कि जो हमारी चीज़ है अंदर वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब इस पोजीशन पे थोड़ी सी गैस की फ्लेम को हल्का सा फुल कर दे ताकि जो हमारी ये पोटैटो चीज़ बॉल्स हैं अच्छे से सिक जाए, बहुत ही टेस्टी बन जाती है बहुत ही जल्दी से। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर में इस तरीके से पोटैटो चीज़ बॉल्स बनाना। ये बच्चों की फेवरेट होती है, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। इस तरीके से घुमा घुमा के सेकें ताकि जो हमारी बॉल्स हैं वो चारों तरफ से बहुत अच्छे से सिक जाए। हमारे पोटैटो चीज़ बॉल्स सिक के रेडी हैं, बस हमें इन्हें कुछ सेकंड और सेकना है, हम इन्हें फिर निकाल लेंगे। पोटैटो चीज़ बॉल्स के बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ, कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। इन्हें मैं छलनी में निकाल लेती हूँ। मैंने अपनी सारी बॉल्स निकाल ली है और जो मेरे पास 4 बॉल्स बची हैं मैं इनको भी छल लेती हूँ। मैंने 4 बॉल्स डाल दिए, अब हम इनको टच नहीं करेंगे, इनको सिकने देंगे अपने आप। हमारी बॉल्स सिक के रेडी हैं, अब हमें इन्हें भी कुछ सेकंड और सेकना है क्योंकि इनके ऊपर कलर बहुत अच्छा आ चुका है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। बॉल सिक के रेडी है, मैं इनको निकाल लेती हूँ। हमने सारी बॉल्स सेक ली हैं और मैंने ये प्लेट में निकाल ली है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी बनी है। आप आवाज़ सुनो इनकी, ये कितनी क्रिस्पी है, बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से चीज़ से भरी हुई है बिल्कुल। मैं आपको एक बॉल्स तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही चीज़ी बन के रेडी हुई है हमारी बॉल्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।